फोटो क्या सर पढ़ना, अभी मन बना चुका है जहाँ वोट डाले वहाँ वोट डालेगा। क्या लगता है योगी जी आएंगे? योगी आएंगे, दोबारा आएंगे। अखिलेश तो बोल, अखिलेश क्या, अखिलेश बोलते हैं कि देखिए बीजेपी के तमाम मंत्री हमारे पास आ गए हैं तो हम जीत में अब की बार पक्के हैं। पक्के हैं तो अपने घर में ही पक्के हैं वो। हाँ, घर से बाहर नहीं निकलेंगे वो, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे वो। अच्छा, काम कैसा चल रहा है अपना? काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया, सब मजे में, सब मजे में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्र हित सबसे बड़ी है, राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। महंगाई कुछ नहीं, देखिए मैं यदि सबसे बड़ा जी मैं बात करूं तो अब की बार ये मेरठ की जनता राम मंदिर पे वोट करेगी या फिर विकास पे वोट करेगी? विकास पे वोट करेगी, गुंडा राज पे वोट करेगी। जो गुंडा राज पिछले शासन में रहा है, पहले था ज्यादा था क्या? ज्यादा था। और अब कैसा माहौल है? बहुत शांति प्रिय माहौल है, बहुत शांत माहौल है। लेकिन लोग तो अभी बोलते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती है। घटना तो सपा वाले कर रहे हैं, घटना। अच्छा, हाँ, सपा वाले कर रहे हैं, सपा वाले घटना करते हैं, बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहा है। क्या जानबूझकर करते हैं? जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं वो। अच्छा, जानबूझकर योगी को बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये अंकल जी भी पास में ही खड़े, अंकल जी से बातचीत कर लेते। नाम भी नहीं बताओगे? सतीश अग्रवाल। कुछ योगी जी का माहौल ठीक नहीं रहा क्या उत्तर प्रदेश में? बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया रहा है। आप किसे देखना चाहेंगे? इलेक्शन की डेट आ गई है, बीजेपी के हम तो बीजेपी को। महंगाई भी देखिए अंकल जी बहुत ज्यादा है, फिर भी बीजेपी का नाम ले रहे हो। कांग्रेस सस्ती कर देगी। अच्छा, कांग्रेस की बात होनी, कांग्रेस कोई भी आएगा महंगी तो महंगाई है, महंगाई तो महंगाई नहीं दे रहा वो तो, बस वो चीज नहीं दे रहा चाहिए। बिजली हमें नहीं, हाँ हाँ अंकल जी कह रहे हैं कि बिजली फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए, हमें नहीं जरूरत, हमें पे योगी जी को करोगे आप? हाँ, ये वोट योगी। क्या लगता है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीतना चाहिए, जीतेंगे। क्यों जीतना चाहिए या फिर जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना जी? अरे वोट तो करने जाओगे? मेरा नाम क्यों ले रहे हो? हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मुजम्मिल। क्या लगता है कि अब की बार क्या रहने वाला, मेरिठ की जनता किसकी तरफ जाने वाली है? तो हर बार आएगी बीजेपी, तो जितनी है। बीजेपी कैसे जीतेगी भैया, कितनी महंगाई ज्यादा हो गई है। इससे मतलब नहीं, महंगाई हो कुछ भी बीजेपी जीतेगी। तमाम लीडर चले गए हैं बीजेपी के, बड़े बड़े सपा के अंदर। अरे तो कोई बात नहीं, जाने तो बहुत है। और क्योंकि असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने का, वोटों का असर नहीं पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होने का, वोट कोई भी मत दो। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे वो जब भी जीत जाएंगे। जीतेगी कैसे? वोट कोई भी मत दो, कह रहे हैं भगवान साथ दे रहा, भगवान साथ दे रहे हैं। अच्छा, मेरठ की जनता अब की बार विकास पे वोट करेगी या फिर राम मंदिर पे वोट करेगी? विकास, विकास पे। अच्छा, पक्का जिताओगे? जीतेंगे, वोट तुम्हारे आने की नहीं, जीतेंगे जब भी। अच्छा, जीतने फिर भी है? हाँ, पक्का पक्का। और ये अखिलेश जी का क्या रहने वाला है? कुछ नहीं करने, अखिलेश तो ये तो आने नहीं है 10 साल लो, तो कोई और सरकार आनी नहीं। देखिए, पक्की दावेदारी ठोक रहे हैं अब की बार, कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम लीडर मंत्री हमारे पास हैं तो हम जीतेंगे अब की बार। देखो, ये तो हर नेता कहता है हम जीतेंगे, हर नेता कहता नहीं कहता है जीतेंगे बीजेपी, बीजेपी जीतेगी, मेरठ की जनता बीजेपी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन। उत्तर प्रदेश में है इस वक्त और उत्तर प्रदेश के चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तरह जगह जगह की हम वीडियो आपको दिखाते हैं, अलग अलग लोगों की राय होती है, कहां पर लोग किसे देखना चाहते हैं, किसे नहीं देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मेरठ में हैं और ये कौन सी जगह जी? पुराना गेट, मेरठ के अंदर है पुराना गेट। यहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों का कहना है, इलेक्शन की डेट आ गई है, किसे देखना चाहेंगे या फिर योगी सरकार के साथ ही जाना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, क्या नाम है सर? नाम बताइए। भवी कन्नौजिया। अच्छा भैया जी, ये बताइए कि देखिए इलेक्शन की डेट आ गई है, क्या योगी सरकार में पहले काम हुए हैं? बहुत हुए हैं, हुए हैं, गिनाए नहीं जा सकते इतने हुए हैं। बताइए थोड़ा सा। हैं? बताइए थोड़ा सा। बिडारी है मोदी जी के, योगी जी के सहयोग से हाईवे बना है बहुत अच्छा, स्कूलों का सुंदरीकरण हुआ है, लूट डकैती बंद हुई है, बदमाशों का गुंडा राज खत्म हुआ है। लेकिन किसान तो परेशान नजर आते हैं सरकार से। वो तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या मेरठ में क्या रहने वाला फिर? मेरठ में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ। और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, चलती रहती है। आम जनता तो परेशान नजर आती है, आजादी से पहले चलती आ रही है महंगाई। तो क्या असर नहीं पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, योगी नाम की गंगा बहेगी।
अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो, हर कोई तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, महंगाई से परेशान है कि क्या असर नहीं पड़ेगा? पेट्रोल तो पैरोल है, ये तो वर्ल्ड लेवल का मैटर है, तो उसका चलता रहता है। भारतीय मुद्रा थोड़ी है जो इस पर अंकुश लगाया जाएगा। राकेश टिकैत जी तो बताते हैं कि ये सरकार बढ़िया ही नहीं है। राकेश टिकैत जी के कहने से थोड़ी हो रहा, सारे किसान एक तरफा भाजपा पे वोट डालेंगे, आप देख लेना 10 फरवरी को। बीजेपी के मंत्री भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं सभा में, वो होता ही है। जब लंका दहन होती है तो सारे मानव छोड़ के भग जाते हैं। और रामयुग आता है इसलिए भव्य मंदिर बन रहा है योगी जी के राज में। जब लंका दहन का टाइम आएगा, क्या लगता है विकास पर वोट करेगी अब की बार जनता या फिर राम मंदिर पर करेगी? संपूर्ण विकास पर, राम मंदिर पर। हिंदू हित के नाते तो राम मंदिर का नाम लेना ही पड़ेगा भैया। क्या लगता है यहाँ से मुस्लिम वोट मिलेंगे योगी को? मुस्लिम वोट एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंहासन चलाने के लिए 403 सीट चाहिए, वो भाजपा के पास पूर्ण बहुमत से बैठी है 100%। आप भैया की बात से सहमत? बिल्कुल पूरा भाई साहब। क्या नाम क्या है सर आप? चंद्रशेखर। यही के रहने मेरठ गिरने वाले। कैसे पार लगाएगी? महंगाई के मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा है। राकेश टिकैत भी बोलते हैं किसानों के हक में किसान, ऐसा कुछ नॉलेज है नहीं, मतलब मोदी दिखाई दे रहे, मोदी और योगी, हम तो इसी वोट लगाएंगे। कुछ काम कुवाम लगता है, कुछ करवाए? सब ठीक चल रहा है, बड़ा चल रहा है। लूट हुआ, काम हुआ है, लूट डकैती चेरी से सब बंद है। अखबार देखो खाली पड़ा बिल्कुल। देखिए मंत्री नहीं हो रहा। देखिए बीजेपी के मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जलीकोटी बंद करवा दी, जलीकोटी बंद करवा दी, वो क्या कहते सोतीगंज बंद करवा दिया, दो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी, एक साल है मेरी, वही बंद करवा दिया, सोतीगंज बंद करवा दिया, और क्या चाहिए? देखिए बीजेपी के मंत्री बहुत सारे सपा में चले गए हैं, क्या असर नहीं पड़ेगा फिर? कोई असर किसी नहीं पड़ रहा है, आएगी योगी सरकार, आप बेफिक्र रहो। और मेरठ से क्या रहा है? मेरठ से तो फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, पक्का है, पक्का फाइनल है भाई, पक्का फाइनल है। अच्छा बिल्कुल योगी को करोगे आप? योगी को करेंगे। क्या लगता है मुस्लिम वोट मिलेंगे मेरठ से? बहुत है भाई साहब, मिलने वाले बहुत है, लेडीज बहुत दे रही है। अखिलेश तो बोलते हैं कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा मेरे पास, क्या फर्क पड़ रहा है? बोले आओ गाड़ी पुलिस की, आगे कर लो। क्या लगता है कि यहाँ से मेरठ से बीजेपी है? पक्का भाई साहब, पक्का। और योगी बनेंगे दोबारा? बिल्कुल बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी लोगों से, हाँ जी राम राम ताऊ जी, तो बात करो, मैं नाम तो बता सकते हैं? अरे नाम तो बताओगे ना? मेरा मिंदा राज है। क्या लगता है योगी सरकार में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ, चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है। क्या हुआ बताइए? जो सफाई सोरी रोबड़िया सारे काम हो रहे हैं, और कच्ची है, महंगाई भी तो हो रही, महंगा जैसे महंगाई ऐसे खर्चे भी हो रहे हैं। उनकी मर्जी से होगी तो क्या फिर योगी सर, योगी आ रहे हैं दोबारा से? आएंगे क्यों नहीं? अखिलेश तो अपना दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो मंत्री थे हमने ले लिया, अब तो हमारी सरकार नहीं, नहीं योगी जी आएंगे, तो ऐसी बात नहीं, मेरठ से मेरठ से भी आएंगे जी आप। अच्छा पक्का है? पक्का 100% है। गैस के दाम बढ़ गए हैं, उसके बारे में क्या बोलो? ऐसे कुछ नहीं होगा, जैसे कमाई वैसे खर्चे होते चले जाएंगे। योगी आएंगे? योगी जी आएंगे। तो आपका क्या नाम है जी? भैया मेरा नाम तो मिंटू है। क्या लगता है अब की बार की क्या रहने वाला है? इलेक्शन की डेट नज़दीक आ गई है भैया, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज ना। नहीं वोट तो करोगे? हाँ वोट तो करेंगे। किसे करोगे? किसे करेंगे, हम तो बीजेपी को देंगे। और बीजेपी को करोगे? पक्का? कमियां नज़र नहीं आती बीजेपी में? क्यों नहीं आती है? महंगाई सबसे ज़्यादा है। अब जरा मैं जल्दी में हूँ, इस टाइम में जल्दी में हूँ, कहीं आ रहा हूँ जरा मैं। अच्छा योगी को करोगे? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। कैसे जाएगा? एक मिनट भैया, मैं बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन की डेट आ गई है, क्या लगता है अब की बार कुछ बदलाव होगा या फिर योगी आ रहे हैं दोबारा से? नहीं अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आएंगे? अच्छा देखिए ये बीजेपी के जो मंत्री हैं छोड़कर अखिलेश के साथ चले गए हैं, और अखिलेश जी भी बोलते हैं कि अब की बार तो भैया उसके मंत्री हमारे पास आ गए हैं, तो अब की बार हमारी सरकार पक्का बनेगी। नहीं मंत्रियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा हाँ, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि बिजली के बिल कम हो जाएं या माफ़ हो जाएं या थोड़ा कम में चल जा, तो वो तो 300 यूनिट तो गरीब आदमी फूकता ही नहीं है, तो वो गरीब आदमी को ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर ऊपर से किसान क्या है, तो किसान के लिए फ्री कर दिया, तो इसका इसका फर्क। अच्छा क्या लगता है मेरठ से क्या रहने वाला, टक्कर लगती है या फिर क्लियर लगती है? मेरठ सिटी में टक्कर है, बाकी सब जगह साफ है। टक्कर है? हाँ मेरठ बीजेपी के साथ। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दुकान वाले से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो सर?
आपका क्या नाम है जी? सामान लेने आए हैं क्या कुछ? हाँ नहीं, हम तो यहीं गए दुकान पे। क्या लगता है इलेक्शन की डेट आ गई अब तो क्या रहेगा? मोदी जी जीतेंगे भैया, मोदी जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे 100%। कैसे जीतेंगे? महंगाई का मुद्दा तो सबसे बड़ा रहा। कोई बात नहीं, तो क्या बात होगी, हल्का भी तो वही करेंगे। युवा बोलते हैं रोजगार नहीं मिला है, रोजगार भी मिलेगा। मिलेगा या रोजगार मिलेगा, सारे काम होंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे, मिलेंगे 100% मिलेंगे। तो क्या इसी बीच क्यों नहीं मिल पाए फिर लोगों? इसी बीच सरकार तो अभी भी चल रही है भैया, इसी बीच में तो सरकार तो चल रही है, लेकिन अभी तो मतभेद बहुत चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। हाँ। क्या लगता है महंगाई के मुद्दे के बावजूद भी सरकार, आप बोल रहे हो कि योगी जी की आएगी? हाँ बिल्कुल रहेगी, लोगों पर असर नहीं पड़ेगा महंगाई का? बिल्कुल भी नहीं पड़ने का, ये तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो हर इलेक्शन की कहानी है, ये तो आने वाने चलते रहते हैं। तो अच्छा मेरठ में क्या रहने वाला, मेरठ की बताइए। मेरठ में तो हमारे योगी जी आने वाले हैं, योगी जी आएंगे। हाँ। और देखिए बीजेपी के तमाम लीडर, बड़े बड़े मंत्री छोड़ कर के सपा में चले गए अखिलेश जी के साथ। वो तो दल बदलू है, तो क्या असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, वो तो बरसाती मेंढक तो इधर से उधर भगते ही है, जब बरसात आती है मेंढक इधर से उधर जाते ही है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं क्या फिर असर नहीं पड़ेगा वोटों पर? वोटों का असर पड़ना, आदमी मन बना चुका है, जहाँ वोट डाले वहाँ वोट डालेगा। क्या लगता है योगी जी आएंगे? योगी आएंगे, दोबारा आएंगे। अखिलेश तो बोल, अखिलेश क्या, अखिलेश बोलते हैं कि देखिए बीजेपी के तमाम मंत्री हमारे पास आ गए हैं, तो हम जीत में अब की बार पक्के हैं। पक्के हैं तो अपने घर में ही पक्के हैं वो। हाँ घर से बाहर नहीं निकलेंगे वो, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे वो। अच्छा काम कैसा चल रहा है अपना? काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया, सब मजे में, सब मजे में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्र हित सबसे बड़ी है, राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। महंगाई कुछ नहीं, देखिए मैं यदि सबसे बड़ा जी मैं बात करूं तो अब की बार ये मेरठ की जनता राम मंदिर पे वोट करेगी या फिर विकास पे वोट करेगी? विकास पे वोट करेगी, गुंडा राज पे वोट करेगी, जो गुंडा राज पिछले शासन में रहा है। पहले था ज्यादा था क्या? ज्यादा था। और अब कैसा माहौल है? बहुत शांति प्रिय माहौल है, बहुत शांत माहौल है। लेकिन लोग तो अभी बोलते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती है। घटना तो सपा वाले कर रहे हैं। अच्छा, घटना हाँ सपा वाले कर रहे हैं, सपा वाले घटना करते हैं, बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहा है। क्या जानबूझकर करते हैं? जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं वो। अच्छा जानबूझकर योगी को बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये अंकल जी भी पास में ही खड़े, अंकल जी से बातचीत कर लेते। नाम भी नहीं बताओगे? सतीश अग्रवाल। कुछ योगी जी का माहौल ठीक नहीं रहा क्या उत्तर प्रदेश में? बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया रहा है। आप किसे देखना चाहेंगे? इलेक्शन की डेट आ गई है, बीजेपी के हम तो बीजेपी को। महंगाई भी देखिए अंकल जी बहुत ज्यादा है, फिर भी बीजेपी का नाम ले रहे हो? कांग्रेस सस्ती कर देगी। अच्छा कांग्रेस कोई भी आएगा, महंगी तो महंगाई है, महंगाई तो महंगाई दे रहा वो, तो बस वो चीज नहीं दे रही चाहिए। बिजली हमें नहीं, हाँ हाँ अंकल जी कह रहे हैं कि बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए, हमें नहीं जरूरत, हमें पे योगी जी को करोगे आप? हाँ ये वोट योगी। क्या लगता है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीतना चाहिए, जीतेंगे। क्यों जीतना चाहिए या फिर जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्या कहना जी? अरे वोट तो करने जाओगे? मेरा नाम ले रहे हो? हाँ 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 क्या नाम है भैया आपका? मुजम्मिल। क्या क्या लगता है कि